हाय दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने आर्मेचर वाइंडिंग के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। उसके अंदर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझाई थी, पहले उसको रिविजिट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली टर्म हमने देखी थी टर्न और कंडक्टर। मैंने बोला था एक टर्न जो बनता है वो दो कंडक्टर और ओवरहैंग मटीरियल से बनता है। ओवरहैंग मटीरियल वो एक्स्ट्रा मटीरियल होता है जो दो कंडक्टर को जोड़ने के काम में आता है और उसका एनर्जी कन्वर्जन में कोई पार्ट नहीं होता क्योंकि उसका नेट ईएमएफ होता है जीरो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, वन टर्न इक्वल टू टू कंडक्टर। फिर हमने बात की थी कॉइल की, कि कॉइल के अंदर एन टर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी कॉइल साइड की, कि एक कॉइल की दो साइड होती हैं, लेफ्ट और एक राइट। फिर इसके बाद हमने बात की थी सिंगल लेयर और डबल लेयर वाइंडिंग की, जिसमें मैंने बताया था सिंगल लेयर वाइंडिंग का प्रॉब्लम होता है दैट इट हैज ओवरहैंग क्रॉसओवर, और डबल लेयर वाइंडिंग में डायमंड स्ट्रक्चर में एक छोटा किंक प्रोवाइड करके ओवरहैंग क्रॉसओवर को अवॉइड किया जाता है। फिर हमने बात की थी कॉर्डेड वाइंडिंग की। ठीक है, कॉर्डेड वाइंडिंग हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट पिचिंग का मतलब क्या होता है, जब हमारा कॉइल स्पैन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ना हो। हमने इसके अंदर कॉइल स्पैन के बारे में भी बात की थी, कि कॉइल स्पैन क्या होता है, आइडियल कितना होता है, स्लॉट पर पोल, बट शॉर्ट पिचिंग के लिए इट शुड बी लेस देन स्लॉट पर पोल और 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। स्लॉट पर पोल का मतलब ही डिग्रीज में होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। फिर इसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया था, कम्यूटेटर पिच बताया था, कि कॉइल के दो एंड्स कौन कौन से कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ते हैं उसे कहते हैं कम्यूटेटर पिच, इसको लिखते हैं YC। तो ये सारी टर्म्स जो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर यूज होने वाली हैं, ये हमने पिछले वीडियो के अंदर कवर किया था। और मैंने ये बोला था इस वीडियो में क्या करने वाले हैं भाई, बताओ, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वाइंडिंग का डिजाइन कैसे करना है। ठीक है, तो वाइंडिंग के डिजाइन पर मूव करते हैं। ये सारी टर्म मैं मानता हूं कि सभी को क्लियर होंगी अब, कि किस तरह से क्या टर्म हमारी डिफाइंड है। तो देखो, मैं इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव पहले ही बता देता हूं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग मेन अपना फोकस रखेंगे लैप वाइंडिंग के ऊपर, और हम ये देखेंगे डीसी मशीन में लैप वाइंडिंग किस तरह से डिजाइन की जाती है। बट इससे पहले कि तुम लैप या वेव वाइंडिंग डिजाइन करना स्टार्ट करो, सबसे पहले लिखना प्रोसीजर टू डिजाइन आर्मेचर वाइंडिंग। अब आर्मेचर वाइंडिंग डिजाइन करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी जरूरी है। पहली बात, लैप वाइंडिंग बनाओगे या वेव वाइंडिंग, ये बात जाननी जरूरी है। कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं ये पता होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं ये भी मालूम होना चाहिए। तो इसमें लिखना, गिवन करके लिखो, गिवन नंबर ऑफ स्लॉट्स ब्रैकेट में S, अगला नंबर ऑफ पोल्स ब्रैकेट में P, तीसरा टाइप ऑफ वाइंडिंग ब्रैकेट में लैप और वेव। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड, अब हम कहते हैं कि जो कॉइल स्पैन है, मैं फुल पिच वाइंडिंग लेके चल रहा हूं, तो क्या ले लेंगे, S/P। तो मैंने यहां पे क्या मान लिया, इसे फुल पिच। तो इससे ये पता लग जाता है कि कॉइल स्लॉट्स में कैसे प्लेस्ड है, लेकिन मुझे स्लॉट्स में प्लेस करने के अलावा उसे कम्यूटेटर से भी जोड़ना है। तो तीसरी बात होती है कम्यूटेटर पिच। ठीक है, कि कम्यूटेटर में किस तरह से कनेक्शन होने वाला है, तो YC होता है +1 फॉर लैप वाइंडिंग, और YC होता है 2/P S±1 फॉर वेव वाइंडिंग। और इसमें प्लस साइन का मतलब होता है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, जिसका मतलब है ये लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ती है, और माइनस साइन का मतलब होता है रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग,
जो कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है, ठीक है। इसमें ज्यादा यूजफुल जो होती है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती है। रेट्रोग्रेसिव में वाइंडिंग के क्रॉस होने का रिस्क हमेशा बना रहता है, इसलिए यूज किसे करते हैं, प्रोग्रेसिव को। अब अगला पॉइंट लिखना, कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द कॉइल, कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द कॉइल बेस्ड ऑन कॉइल स्पैन, कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द कॉइल बेस्ड ऑन कॉइल स्पैन एंड कनेक्ट देम टू कम्यूटेटर बेस्ड ऑन कम्यूटेटर पिच, कनेक्ट देम टू कम्यूटेटर बेस्ड ऑन कम्यूटेटर पिच, ठीक है। अगला पॉइंट, टू प्लेस द ब्रशेस फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करेंट इंड्यूस्ड, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करेंट इंड्यूस्ड बेस्ड ऑन वेलोसिटी एंड फ्लक्स डेंसिटी, बेस्ड ऑन वेलोसिटी एंड फ्लक्स डेंसिटी, वी क्रॉस बी करते हो ना। अभी देखो ये सारे पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे जैसे हम एग्जांपल पे जाते हैं ना, लैप वाइंडिंग पे, तो बहुत अच्छे से ये चीजें समझ आएंगी स्टेप बाय स्टेप की काम क्या करना होता है। बहुत सिंपल एग्जांपल लेके समझाऊंगा जिससे कि डिजाइनिंग तुम लोगों के लिए भी ओवर कॉम्प्लिकेटेड ना रहे। अब अगला लिखना, डेवलप्ड डायग्राम। अब देखो एक बात मैंने अभी भी बताई थी कि जो आर्मेचर है वो सिलेंड्रिकल है, वो उसका क्रॉस सेक्शन सर्कल है, लेकिन सर्कल में हमने ये भी देखा भाई जो डायग्राम बनता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए सिंपल वे में डायग्राम बनाने के लिए क्या करता हूं, जैसे देखो मैं एक आर्मेचर ड्रॉ कर लेता हूं। मान लो इस आर्मेचर में मुझे 8 स्लॉट लेने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और ये 8, 8 स्लॉट बन गए भाई, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूं कि मैं सिंपल एग्जांपल लेना चाह रहा हूं, लेने के लिए ज्यादा स्लॉट्स भी ले सकते हो, लेकिन ना विजुअलाइजेशन उतना ही टफ होता चला जाएगा जितने ज्यादा स्लॉट्स लेते जाओगे। अब ये मैंने 8 स्लॉट बना लिए भाई, अब ये 8 स्लॉट्स को ना नंबर कर देता हूं। नंबर किस टाइप से, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब सर्कुलर डायग्राम ना बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां से इसे कट कर दिया जाता है, कट करके इसको बोल देते हैं कि अनफोल्ड कर दो, यानी ये जो डायग्राम सर्कुलर था इसको लीनियर बना दें हम लोग इस डायग्राम को खोल करके। कैसे खोलोगे, अब देखो सबसे पहले अनफोल्ड जिस डायरेक्शन में कर रहे हो वन लाई कर रहा है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से है ना। अब दूसरी चीज क्या होती है कि इसके अंदर कम्यूटेटर भी रहा होगा। अब मैंने तुम्हें कम्यूटेटर के रिगार्डिंग क्या बताया था, मैंने एक जनरल प्रिंसिपल बताया था कि नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल, और डबल लेयर वाइंडिंग में नंबर ऑफ कॉइल किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ स्लॉट्स के, लेकिन किसमें, सिर्फ डबल लेयर वाइंडिंग में। तो इसका मतलब है, ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर में डिराइव भी कराई थी कि नंबर ऑफ कॉइल नंबर ऑफ स्लॉट के बराबर आती है,
और सिंगल लेयर में स्लॉट्स बाय 2k। इसका मतलब कम्यूटेटर में भी कितने सेगमेंट बनेंगे, 8। देखो बनाते चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से 8 सेगमेंट बना दिए। तो जब अनफोल्ड कर रहे हो ना तो ये कम्यूटेटर भी ओपन हो जाएगा। अनफोल्ड ऐसा मत सोचना सिर्फ आर्मेचर हुआ है, अनफोल्ड तुम्हारा कम्यूटेटर भी हो जाएगा। अगर अनफोल्ड कम्यूटेटर भी हो गया तो इसमें भी 8 सेक्शन नजर आने लगेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से ये 8 सेगमेंट कम्यूटेटर के आ गए, जैसे कि 8 सेगमेंट तुम्हारे स्लॉट्स के आ रहे हैं। और इस डायग्राम को कह दिया जाता है डेवलप्ड डायग्राम। अब क्या होता है जब इसमें कॉइल दिखाते हैं तो ऊपर वाली कॉइल को अगर 1 लिख रहे हो तो नीचे वाले को लिख देते हैं 1 डैश, ऊपर वाले को 2 तो नीचे वाले को 2 डैश। यानी कॉइल साइड की जो नंबरिंग है वो स्लॉट के हिसाब से होती है, टॉप में सिंपली नंबर और बॉटम में नंबर के साथ एक डैश। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने ये बोला था डबल लेयर वाइंडिंग का मतलब है एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड आए, बट उन कॉइल साइड को नेम कैसे करोगे? उन कॉइल साइड्स को जो नेम दिया जाता है दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्लॉट इन विच इट लाइज। तो इसमें लिख लेना द कॉइल साइड्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्लॉट इन विच अ कॉइल साइड लाइज। ठीक बात है? अब देखो, सबसे पहले हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं लैप वाइंडिंग से। बहुत अच्छे से समझना इसे, लैप वाइंडिंग को। ये जो वाइंडिंग डिजाइन का प्रोसेस देख रहे हैं ना, ये कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं पूछ सकता। डिजाइन कैसे करवा लेगा, एमसीक्यू टाइप में या एनएटी टाइप में? तो ये जो वाइंडिंग का डिजाइन है ना, ये तुमसे सब्जेक्टिव या कन्वेंशनल पेपर के अंदर करवाया जा सकता है। इसीलिए एक बार डिजाइन को समझ लो, इसके अंदर याद रखने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं है। अब लैप वाइंडिंग के अंदर जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसा मैंने बोला मैं सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं, स्लॉट्स ले रहा हूं 8, पोल्स ले रहा हूं 4, यानी कॉइल स्पैन कितना हो जाएगा बताओ? ये हो गया 2। लैप वाइंडिंग के लिए कम्यूटेटर पिच प्लस वाली ले रहा हूं, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग ले रहा हूं यानी कि 1। मैंने बोला था इतना डेटा हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग एक कॉइल को डिजाइन कर सकते हैं। स्लॉट्स अपॉन पोल से क्या आ गया, कॉइल स्पैन और कम्यूटेटर पिच, ठीक है? और वाइंडिंग तो लैप गिवन ही है। अब देखो क्या होगा, डेवलप डायग्राम बना रहा हूं। अपने पास 8 स्लॉट है, ठीक है? तो मैं 8 स्लॉट दिखा रहा हूं, ठीक है? कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 स्लॉट हो गए। अब इसके अंदर हर एक में 2-2 कंडक्टर होंगे, 1, 1 डैश, 2 कंडक्टर ना बोल के बल्कि बोलोगे कॉइल साइड, है ना? ध्यान रखना कंडक्टर और कॉइल साइड का डिफरेंस। फाइव डैश सिक्स डैश सेवन डैश एट और भाई 8 डैश, यही बनेंगे 8। अब लेकिन ऐसे दिखाने में ना थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो हम क्या करते हैं, कंडक्टर्स को ना ऐसे वर्टिकली दिखा देता हूं।
मेरी बात को समझने की कोशिश करना, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस टाइप से कनेक्शन शो करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसीलिए कंडक्टर्स को मैं वर्टिकली तुम्हें शो करने वाला हूं। ये बस मैंने अपने लिए मार्जिन्स ड्रॉ किए हैं, ये मत सोचना है रेड लाइंस का सिग्निफिकेंस क्या है। कंडक्टर दिखाने के लिए ना, तब ताकि सब कंडक्टर की मैं लेंथ बराबर दिखा सकूं, वरना डायग्राम थोड़ा सा ना एब्रप्ट हो जाता है। तो देखो मैं हर स्लॉट के नीचे ही उसके दो कंडक्टर दिखा रहा हूं। ठीक है भाई, ये कंडक्टर बन गए। इनको चाहो तो नाम दे सकते हो, वन वन डैश, टू टू डैश, थ्री थ्री डैश, फोर फोर डैश, फाइव फाइव डैश, सिक्स सिक्स डैश, सेवन सेवन डैश, एट और एट डैश। अब ये समझ आ रहा है डॉटेड का क्या सिग्निफिकेंस है। यहां बोल्ड लाइन हमें ये बता रही है कि टॉप कंडक्टर है, और डॉटेड लाइन ये बता रही है वो बॉटम कंडक्टर है। तो ये भी लिख लेना, सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट्स टॉप कंडक्टर इन अ स्लॉट, टॉप कंडक्टर इन अ स्लॉट, एंड डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स बॉटम कंडक्टर इन द सेम स्लॉट, रिप्रेजेंट्स बॉटम कंडक्टर इन द सेम स्लॉट। अब इसके बाद क्या होगा, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, कम्यूटेटर भी ड्रॉ करना पड़ता है ना, डेवलप्ड डायग्राम में मैंने बोला था। ठीक है, तो अब मैं कम्यूटेटर ड्रॉ करना चाहता हूं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और इस टाइप से कम्यूटेटर के अंदर भी मैंने वायर्स निकाल दिए। ठीक है भाई, अब चलते हैं। ये तो बेसिक हमें इतना रेडी करना पड़ता है वाइंडिंग ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, इतना बेसिक है, इतना तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद कनेक्शंस की बात आती है, ये मत सोचना यहां तक बना के बहुत मेहनत कर ली है, ये तो हर बच्चा बना सकता है। जस्ट हमने क्या किया है, जितने स्लॉट हैं उतने कंडक्टर दिखा दिए, उतने ही कम्यूटेटर दिखा दिए, इतना ही अभी तक बेसिकली हमने परफॉर्म किया है। अब कॉइल्स बनानी है। अब देखो कॉइल स्पैन कितना है, टू, यानी कि अगर वन वाली कॉइल का वन का दूसरा कंडक्टर देखें तो कौन से स्लॉट में जाना चाहिए, तीन नंबर में। कैसे पता लगा, वन प्लस टू, बात क्लियर हुई। ऐसी टू वाले का किस में भेजोगे, टू प्लस टू यानी फोर, थ्री वाले का थ्री प्लस टू फाइव, यानी किसी भी कंडक्टर का या सॉरी किसी भी कॉइल की दूसरी कॉइल साइड कहां होगी, दैट इज डिटरमाइंड यूजिंग कॉइल स्पैन। तो इसमें वाला पॉइंट लिख लेना, इफ वन कॉइल साइड इज प्रेजेंट इन स्लॉट एक्स, इफ वन कॉइल साइड इज प्रेजेंट इन स्लॉट एक्स, then its other coil side is present in slot y equal to x plus s by p,
इक्वल टू एक्स प्लस एस बाय पी, ठीक है। तो अगर x वाले स्लॉट में है तो दूसरा किस में जाएगा, x प्लस एस बाय पी में। तो 1 वाले का दूसरा किस में जाएगा, 3 में, लेकिन 3 के भी नीचे वाले में। अगर 1 में ऊपर ले रहे हो तो उसको किससे जोड़ोगे, 3 के नीचे वाले से। ये तो हमने बोला था ना, एक कॉइल साइड टॉप तो दूसरी कॉइल साइड बॉटम। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, थ्री के नीचे वाले से जोड़ना, यानी थ्री डैश से, ठीक है। ऐसे ही टू, टू टॉप है ना, तो फोर के बॉटम वाले से जोड़ोगे, तो फोर के बॉटम वाले से जोड़ेंगे, यानी कि फोर डैश से। ऐसे ही थ्री टॉप है तो फाइव के बॉटम वाले से। ये तो क्लियर है ना, नंबर कहां से आ रहा है, स्लॉट पर पोल ऐड करता जा रहा हूं कॉइल स्पैन। थ्री प्लस टू फाइव होता है, लेकिन फाइव के नीचे वाले से जोड़ो। फिर फोर प्लस टू सिक्स होता है, लेकिन सिक्स के नीचे वाले से जोड़ो। फाइव प्लस टू सेवन होता है, सेवन के नीचे वाले से जोड़ो। सिक्स प्लस टू एट होता है, बट एट के नीचे वाले से जोड़ेंगे इस टाइप से। एट प्लस टू टेन होता है, टेन का मतलब हुआ, एट प्लस टू टेन हुआ ना, टेन का मतलब ये हुआ, ये जो 8 वाला निकलेगा ये किस में जाएगा, ये 2 डैश में जाएगा, ये 8 वाले से आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 7 प्लस 2 9 होता है, 9 होगा, देखो टोटल 8 है ना, 9 कैसे लिखोगे, 8 प्लस 1, यानी पहले वाले में जो जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, हमने सेवन वाला तो स्टार्ट ही नहीं किया ना एक्चुअल में, ये स्टार्ट हो जाएगा ना सेवन वाला। सेवन किस में जाना चाहिए, सेवन प्लस टू नाइन में, नाइन माने वन डैश, ये सेवन से आ रहा है। बात मेरी क्लियर हुई, दोबारे से सोचो, मैंने सिर्फ क्या किया है, हर कंडक्टर में कॉइल स्पैन ऐड करके उसका दूसरा साइड निकाल दिया है, यानी वन वाली कॉइल साइड का अदर कॉइल साइड क्या होगा, वन प्लस टू यानी कि थ्री, बट थ्री में नीचे वाला थ्री डैश। ऐसी टू वाले का टू प्लस टू फोर, लेकिन उसका नीचे वाला यानी फोर डैश, इस तरह चलेगा। तो सेवन का क्या होगा, सेवन प्लस टू नाइन, लेकिन है मेरे पास आठ, तो नौवा कौन सा होगा, पहला। ऐसा कैसे, ये सारे सर्कल में हैं, तो आठवें के बाद नौवा कौन सा पड़ेगा, पहला ही तो पड़ेगा, सर्कल ही तो है, तुमने ही तो इसको लीनियर दिखाया, एक्चुअल में कैसा था, सर्कल। अब देखो इसके बाद है कम्यूटेटर से जोड़ने की बात, तो वन वाले को वन से जोड़ो, ठीक है। अब ये जो थ्री डैश है, थ्री डैश वन का दूसरा हिस्सा है ना, थ्री डैश, ये किस में जाके जुड़ना चाहिए, तो कम्यूटेटर पिच है वन, यानी एक कॉइल का एक हिस्सा अगर वन में जुड़ता है, दूसरा हिस्सा वन प्लस वन किस में जुड़ेगा, टू में। अगर उसका हिस्सा थ्री में जुड़ता तो उसका दूसरा हिस्सा किस में जाता, थ्री प्लस वन फोर में। तो ये भी पॉइंट लिखो, ए वन कॉइल साइड इज कनेक्टेड टू, ए वन कॉइल साइड इज कनेक्टेड टू कम्यूटेटर सेगमेंट एम, देन अदर कॉइल साइड शुड बी कनेक्टेड टू, देन अदर कॉइल साइड शुड बी कनेक्टेड टू N इक्वल टू एम प्लस वाई सी, इक्वल टू एम प्लस वाई सी। तो कम्यूटेटर पिच का यूज कैसे करना है, जब कॉइल का एक हिस्सा वन में जुड़ा तो दूसरा हिस्सा वन प्लस वन किस में जाएगा, टू में। तो देखो दूसरा हिस्सा मैं यहां से टू में जोड़ देता हूं, इस टाइप से जोड़ दो, टू में जोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बाद टू वाला खुद टू में जाएगा, टू का दूसरा हिस्सा है फोर डैश, वो किस में जाएगा, थ्री में जाएगा। थ्री वाला खुद भी किस में जाएगा थ्री में, और उसका दूसरा हिस्सा फाइव डैश किस में जाएगा, फोर में। फोर वाला खुद किस में जाएगा, फोर में। फोर का दूसरा हिस्सा सिक्स डैश किस में जाएगा,
फाइव में, फाइव वाला खुद भी किसमें जाएगा, फाइव में, फाइव का दूसरा हिस्सा सेवन डैश किसमें जाएगा, सिक्स में। ये तो क्लियर है ना, फाइव वाला अगर फाइव में जा रहा है तो उसका दूसरा हिस्सा फाइव प्लस वन यानी कि सिक्स में जाएगा, तो फाइव का दूसरा हिस्सा है सेवन डैश। सिक्स में खुद और कौन जाएगा, सिक्स, सिक्स का दूसरा हिस्सा एट डैश किस में जाएगा, सिक्स प्लस वन सेवन में जाएगा। सेवन में दूसरा कौन जाएगा, खुद सेवन जाएगा, और इसका दूसरा हिस्सा वन डैश किस में जाएगा, फिर एट में जाएगा। एट में खुद कौन जाएगा, एट जाएगा, और एट का दूसरा हिस्सा यानी कि टू डैश किस में चला जाएगा, वन में। ये टू डैश वाला सीधा वन में आ गया। इस तरह से कम्यूटेटर पे कनेक्शन होंगे, ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है। कम्यूटेटर के कनेक्शन किस टाइप से आने वाले हैं, तो अब कम्यूटेटर पे कनेक्शन बनाने के बाद अगला बेसिक हमें क्या करना है, ब्रशेस को प्लेस करना है। यहां तक बात सब लोगों को क्लियर है। मैंने ऊपर के कनेक्शन किस हिसाब से बनाए, कि वन का जो दूसरा हिस्सा है वो कैसे मालूम चलता है, वन प्लस कॉइल स्पैन से। वन वाला अगर कम्यूटेटर नंबर वन से जुड़ा है तो उसका दूसरा कॉइल साइड किससे जुड़ेगा, वन प्लस वाईसी से। टू से जुड़ा है तो टू प्लस वाईसी से। कम्यूटेटर पे कनेक्शन कम्यूटेटर पिच देख के होंगे, ऊपर की ज्वाइनिंग कॉइल स्पैन देख के होगी, ठीक है। अब इसके बाद ब्रशेस को प्लेस करना है, उसके लिए क्या करते हैं, पोल्स बना लेते हैं। देखो ये मान लो कितने पोल हैं, चार है ना, और स्लॉट हैं आठ, तो एक पोल के नीचे कितने स्लॉट आएंगे, दो, ठीक है, तो दो दो स्लॉट ना हर पोल के नीचे ले लो, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और फिर से साउथ। बात क्लियर हुई, चार पोल मैंने दिखा दिए, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, यानी नॉर्थ देखो यहां रखा है इस तरह से, जैसे मेरा हाथ है ना इन कंडक्टर्स के ऊपर रखा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो एक्चुअल में मशीन कैसी होती है ना, ये सिलेंड्रिकल तो रोटर होता है, इसके अंदर कंडक्टर रखे होते हैं और पोल्स यहां कहीं होते हैं इस टाइप से, ये होता है पोल। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि ये जो रोटर है ना इसके ऊपर पोल है, यहां पे कहीं पोल है, तो मैं कह रहा हूं नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, तो इधर आ गया क्रॉस। पोल अगर इधर रखा है, देखो तुम्हारी तरफ पोल रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ आएगी ना, नॉर्थ से बाहर, बाहर माने इस बोर्ड के अंदर। साउथ से ले लो डॉट, नॉर्थ से फिर ले लो क्रॉस, और साउथ से फिर क्या ले लो डॉट। बात क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाएगी। अगर नॉर्थ तुम पीछे मानोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही होगी, तो डॉट क्रॉस उल्टे कर लेना। बेसिकली मैं नॉर्थ बोल रहा हूं, बोर्ड के आगे रखा है, बोर्ड के आगे रखा हुआ पोल नॉर्थ पोल बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जब देगा तो वो अंदर की तरफ देगा, यानी मेरी तरफ देगा। सपोज नॉर्थ पोल तुम हो और मैं आर्मेचर हूं, तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आएगी, तो मेरे लिए तो अंदर आ रही है ना, इसीलिए मैंने यहां क्रॉस दिखाया है। बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं। अब मैं कह रहा हूं जो आर्मेचर है, आर्मेचर का जो रोटेशन है या आर्मेचर का मोशन है वो इस तरफ है, ऐसा मैंने मान लिया, आर्मेचर मूवमेंट, आर्मेचर घूमेगा ना रोटर पे है, तो आर्मेचर का मूवमेंट राइट में मान लिया। अब ईएमएफ कैसे निकलता है, वी क्रॉस बी से। अब देखो पहले वन और टू के लिए देखें अगर, तो वेलोसिटी राइट में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वी क्रॉस बी अपवर्ड्स आ रहा है, वी राइट में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वी क्रॉस बी अपवर्ड्स, तो वी क्रॉस बी अपवर्ड्स आ रहा है, तो नॉर्थ पोल के नीचे रखे हुए कंडक्टर्स में अपवर्ड एरो बन गया। अब साउथ में आ जाओ, वेलोसिटी राइट में है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ये ग्रीन वाला मार्कर तुम्हारी वेलोसिटी है और ये ब्लू वाला मार्कर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है। वी क्रॉस बी, वी की डायरेक्शन में उंगली बी की तरफ घुमाओ डाउनवर्ड्स, तो करंट आएगा डाउनवर्ड्स, ठीक है, फिर अगेन नॉर्थ में वापस अपवर्ड्स, साउथ में अगेन डाउनवर्ड्स। अब बात है ब्रशेस कैसे रखे जाएं, ब्रशेस उस पॉइंट पे रखो जहां करंट कम्यूटेटर में अंदर आए या कम्यूटेटर से बाहर जाए। अब देखो वन वाले में कौन कौन से कंडक्टर हैं, वन वाले में वन बी आ रहा है और वन वाले में
और कौन आ रहा है, टू डैश, वन का एरो भी अपवर्ड्स है, टू का, टू डैश का एरो भी अपवर्ड्स है। देखो ये दो एरो आ रहे हैं ना, यानी यहां से करंट आ रहा है। एसीएफ टू वाले में देखो कौन कौन आ रहा है, एक तो टू आ रहा है, एक आ रहा है थ्री डैश, टू का एरो अपवर्ड्स है और थ्री डैश का एरो डाउनवर्ड्स है, तो यहां कोई करंट नहीं आएगा। थ्री में देखो थ्री आ रहा है और फोर डैश, थ्री का एरो भी डाउनवर्ड्स, फोर डैश का एरो भी डाउनवर्ड्स, यानी यहां करंट आ रहा है। ठीक है, फोर में देखो कौन कौन आ रहा है, एक तो फोर आ रहा है और एक कौन आ रहा है फाइव डैश, फोर का एरो डाउनवर्ड्स, फाइव डैश का अपवर्ड्स, यानी यहां कोई करंट नहीं है। इस नोड पे बस केसीएल लगा रहा हूं। फाइव पे देखो, एक तो फाइव आया, एक आया सिक्स डैश, फाइव और सिक्स डैश दोनों का एरो अपवर्ड्स है, तो यहां पे एरो आया अपवर्ड। सिक्स में देखो, एक आया सिक्स, दूसरा आया सेवन डैश, सिक्स का एरो अपवर्ड, सेवन डैश का डाउनवर्ड्स, तो कोई करंट नहीं। सेवन में देखो, सेवन का एरो डाउनवर्ड्स, एट डैश का एरो डाउनवर्ड्स, तो यहां भी एरो आ गया। अब बात है आठ में से चार कम्यूटेटर सेगमेंट ऐसे हैं जिनमें करंट एंटर या लीव कर रहा है। कम्यूटेटर में करंट एंटर या लीव सिर्फ कर सकता है ब्रशेस की मदद से, तो यहां ब्रशेस दिखा दो। अब अगर ये जनरेटर है तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करना चाहिए और नेगेटिव से एंटर, तो पॉजिटिव से लीव करेगा तो थ्री और सेवन वाले ये पॉजिटिव ब्रश हो गए, वन और फाइव वाले ये नेगेटिव ब्रश हो गए। पॉजिटिव ब्रशेस को एक साथ जोड़ दिया, नेगेटिव को एक साथ जोड़ दिया, तो ये मिल गए दो टर्मिनल। तो ब्रश कितने लगे, चार। लेकिन डीसी मशीन में टर्मिनल्स कितने आने चाहिए, सिर्फ दो। तो जो भी ब्रशेस जिनसे करंट एंटर कर रहा है उन सबको एक साथ कनेक्ट कर लो, और जिन ब्रशेस से करंट लीव कर रहा है उन्हें भी एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखना, वी कनेक्ट द ब्रशेस एट विच करंट इज एंटरिंग, वी कनेक्ट द ब्रशेस एट विच करंट इज एंटरिंग टुगेदर and the brushes at which current is leaving, and the brushes at which current is leaving should be connected together, at which current is leaving should be connected together। यहां तक बात समझ आई। नेक्स्ट पॉइंट, the brush should only be placed at that commutator segment, where net current entering or leaving is non-zero, net current entering or leaving is non-zero। और देखो मैंने तुम्हें एक चीज पहले भी बता दी थी जब ब्रशेस की बात की थी कि नंबर ऑफ ब्रश किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के, यानी कि ए के, और वो लैप वाइंडिंग में होते हैं पोल्स के बराबर। तो कितने ब्रशेस लगने चाहिए थे, कायदे से चार ही ब्रश लगने चाहिए थे इस रूल से भी। और मैंने यहां तुम्हें प्रूफ भी कर दिया करंट की डायरेक्शन शो करके कि चार ब्रश लगेंगे, जहां भी कम्यूटेटर में करंट नॉन जीरो हो गया वहां तुम्हें ब्रश प्लेस करना पड़ेगा। ये वाला डायग्राम क्लियर हुआ, डेवलप डायग्राम कैसे बनता है एक और बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जितने स्लॉट्स हैं उतने से दुगनी कॉइल साइड बनाओगे, हर स्लॉट में दो कॉइल साइड, एक टॉप एक बॉटम। टॉप वाले को स्लॉट के नंबर से लिखते हैं और बॉटम वाले में डैश लिखा जाता है। स्लॉट टॉप वाले को सॉलिड लाइन से दिखाया था और बॉटम वाले को डॉटेड लाइन से। एक कॉइल का एक साइड अगर टॉप में है तो दूसरा साइड किस में जाना चाहिए, बॉटम में। अब सबसे पहले क्या निकालते हैं, कॉइल स्पैन एस बाई पी, कम्यूटेटर पिच लैप वाइंडिंग के लिए प्लस माइनस वन और वेव के लिए टू बाई पी एस प्लस माइनस वन। लेकिन अगर प्रोग्रेसिव बनाना है यानी वाइंडिंग लेफ्ट टू राइट बढ़ानी है तो वन लोगे। माइनस वन का क्या मतलब है, राइट टू लेफ्ट जाते। देखो जैसे मैंने एक चीज बताई भी थी कि वन वाला अगर वन में गया तो इसका दूसरा हिस्सा थ्री डैश किस में गया, टू में। क्यों गया, वन प्लस वन तुमने टू किया,
अगर ये माइनस वन कर देते तो वन माइनस वन जीरो, जीरो माने एट, तो ये जो थ्री डैश वाला हिस्सा है ना ये टू में नहीं जाता, फिर ये घूम के एट में आता। ये किस तरफ आता? ये ऐसे एट में आता। तो ये क्रॉस करता ना, अगर ये क्रॉस करता तो इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या यूज किया था? प्रोग्रेसिव। दोबारे समझो, वन का अगर कॉइल साइड वन अगर कम्यूटेटर वन से जुड़ी है तो इसकी दूसरी साइड यानी थ्री डैश किस में जुड़ेगी? वन प्लस कम्यूटेटर पेच यानी वन प्लस वन टू में। तो देखो थ्री डैश टू में गया है, लेकिन अगर माइनस वन होता तो वन माइनस वन जीरो, जीरो यानी कि एट। तो अगर ये थ्री डैश वाला एट में आता तो ये काफी को क्रॉस करके आता, ठीक है, वो चीज अनडिजायरेबल थी, इसीलिए प्रोग्रेसिव यूज किया। हाँ, तो अब मैं कहां पे था? मैंने बोला था एक कॉइल की दो साइड्स होती हैं, एक टॉप में तो एक बॉटम में, तो कॉइल साइड की टॉप वाली अगर वन है तो बॉटम वाली क्या होगी? वन प्लस कॉइल स्पैन डैश यानी वन प्लस टू डैश यानी कि थ्री डैश, तो थ्री डैश से जुड़ा। टू वाले का टू प्लस टू यानी फोर बट डैश, थ्री थ्री प्लस टू फाइव डैश, ऐसे ऊपर के कनेक्शन बनते हैं। नीचे के कैसे? वन वाला अगर वन में गया तो उसका दूसरा हिस्सा यानी थ्री डैश किस में जाएगा? वन प्लस वाई सी यानी कि टू में। फिर टू वाला अगर टू में गया तो टू प्लस वाई सी यानी कि अगला हिस्सा जाएगा थ्री में, ठीक है। इस तरह से हमारी कॉइल जुड़ती हैं। अब इसमें देखने में क्या लगता है? देखो ये जो वन और थ्री डैश वाली कॉइल है इसके ऊपर रखी गई है टू और फोर डैश वाली। अगर एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल रखोगे तो हम ये कहते हैं एक कॉइल की लैप में दूसरी कॉइल रखी गई है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज लैप वाइंडिंग। तो ये भी पॉइंट लिख लेना, इट अपियर्स लाइक इफ वन कॉइल इज प्लेस्ड ओवर द अदर कॉइल or in the lap of other coil so it is called lap winding। फिर मैंने ब्रश प्लेस करने के लिए क्या बताया कि चार पोल हमने ले रखे थे, p इक्वल टू फोर लेके चले थे, तो चार पोल में मैंने दो दो स्लॉट बांट दिए, आठ स्लॉट थे ना, तो एक पोल के नीचे कितने होंगे? दो। नॉर्थ साउथ करके मैग्नेटिक फील्ड मान ली, डॉट क्रॉस और V क्रॉस B से करंट की डायरेक्शन निकाली। फिर जिस कम्यूटेटर सेगमेंट में करंट बैलेंस नहीं हुआ वहीं पे क्या लगाना पड़ जाता है? ब्रश। अब देखो सिंपल तरीका ये भी होता कि इसके अंदर ना अगर हम लोग डायग्राम ऐसे डायग्राम की जगह टेबल बना लेते, कॉइल कम्यूटेटर, ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है अगर किसी भी एग्जाम में बचना चाहते हो ना डायग्राम जहां कंपलसरी ना हो। अब देखो ये ध्यान रखो कि स्पैन कितना चल रहा है, टू और वाई सी वन, ये था ना। अब कॉइल अगर वन है तो इसका दूसरा हिस्सा वन प्लस टू थ्री डैश होगा। कॉइल वन अगर कम्यूटेटर वन में गई है तो दूसरा वन प्लस वाई सी यानी टू में जाएगा। ऐसी अगली कॉइल टू, इसका दूसरा हिस्सा टू प्लस टू यानी कि फोर डैश, टू वाली अगर टू में गई है तो अगला हिस्सा टू प्लस वन थ्री में। फिर थ्री, थ्री का दूसरा हिस्सा थ्री प्लस टू फाइव डैश, इधर बताओ क्या नंबर डालोगे? थ्री वाला थ्री में, तो इसका फाइव डैश वाला किस में जाएगा? फोर में। फिर फोर का अगला हिस्सा सिक्स डैश, फोर वाला फोर में जुड़ता है तो सिक्स डैश किस में जुड़ेगा? 4 प्लस 1 5 में। फिर 5, इसका दूसरा हिस्सा 7 डैश, 5 वाला 5 में जुड़ा तो 7 डैश किस में जाएगा? 6 में। अगली कॉइल 6, 8 डैश, 6 वाला 6 में जुड़ा तो 8 डैश किस में जाएगा? 7 में। 7 अगला आएगा 9 डैश, 9 तो है ही नहीं तो 9 डैश क्या बनेगा? 1 डैश। 7 वाला 7 में गया तो 1 डैश वाला 8 में। अगला 8, 8 प्लस 2 10, 10 तो है ही नहीं तो 10 को क्या लिख दोगे? 2 डैश। 8 वाला 8 में गया तो 2 डैश वाला किस में जाएगा? 9 में, 9 माने 1 में। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग पूरा टेबल फॉर्म में भी दिखा सकते हैं
कि किस टाइप से हमारे कनेक्शन हुए हैं, ठीक है। अब इसी का देखो सिंप्लीफाइड डायग्राम अगर बनाएं कि किस तरह से कनेक्शन किए गए हैं, देखो यही जो मैंने टेबल बनाई है ना, इसको अब मैं डायग्राम की तरह दिखा रहा हूं। बात क्लियर हुई ये वाली कि अगर हमें सिंपलेस्ट वे में अप्रोच करना है तो इतना बड़ा डायग्राम ना बनाते हुए बेटर मेथड क्या हो सकता है कि इस तरह की एक टेबल फॉर्म कर लो। टेबल फॉर्म करना तो क्लियर है ना, कॉइल का दूसरा एंड किससे मिलता है, कॉइल स्पैन से, और किस कम्यूटेटर से जुड़ेगा, यह मिलता है कम्यूटेटर पिच से। अब देखो इसी को अगर कॉइल में डायग्राम बनाते तो पहली कॉइल 1 और 2 नंबर के कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में है, यह है 1 और दूसरा कंडक्टर है 3 डैश। फिर दूसरी कॉइल ये 2 से शुरू होकर 3 में खत्म हुई है, 2 और 3, और इसके कंडक्टर कौन से हैं, 2 और 4 डैश, ठीक है। फिर ऐसे तीसरी कॉइल शुरू हुई है 3 से और खत्म किस में हुई है, 4 में, कंडक्टर 3 और 5 डैश, ठीक है। अगली कॉइल जो 4 से शुरू हुई है वो 5 में खत्म हुई है, 4 5, इसके कंडक्टर 4 और 6 डैश। अब 5 से जो शुरू हुई है वो 6 में खत्म हुई है, कंडक्टर 5 और 7 डैश। फिर जो 6 से शुरू हुई है वो 7 में खत्म हुई है, कंडक्टर 6 और 8 डैश। ठीक है, अब जो 7 से शुरू हुई है वो 8 में खत्म हुई है, कंडक्टर देखोगे 7 और 1 डैश। जो 8 से शुरू हुई है वो किस में खत्म हुई है, 1 में, कंडक्टर 8 और 2 डैश। 1 माने यहां पे, 1 मैंने यहीं तो दिखाया था, 1 ये वाला। तो ये जो नीचे मैंने दिखाए हैं ये क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट, और ऊपर जो मैंने दिखाए हैं वो हैं कंडक्टर। इसीलिए भी इसको क्लोज्ड वाइंडिंग कहते हैं, ये जहां शुरू होती है ये वहीं पे खत्म होती है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ब्रशेस कैसे प्लेस थे, मैंने एक ब्रश 1 पे दिखाया था, एक ब्रश 3 पे दिखाया था, एक 5 पे दिखाया था और एक 7 पे दिखाया था। इस टाइप से ब्रशेस हमारे 4 ब्रशेस प्लेस थे, ठीक है। तो मैं इन ब्रशेस को ना नाम दे देता हूं, ए बी सी डी। मेरे पास 4 ब्रश थे, इसी डायग्राम को और किस तरह से दिखा सकते हो, देखो 4 ब्रश हैं, ए बी सी और डी। अब देखना जरा, ए और बी के बीच में 2 कॉइल आ रही हैं, 1 3 डैश और 2 4 डैश। तो ए और बी के बीच में 2 कॉइल दिखा दो, 1 3 डैश 2 4 डैश। फिर बी और सी के बीच में 2 कॉइल आई, 3 5 डैश और 4 6 डैश। सी और डी के बीच में फिर 2 कॉइल आई, 5 7 डैश और 6 8 डैश। फिर डी और वापस से ए के बीच में 2 कॉइल आई, 7 1 डैश और 8 2 डैश। ऐसे ही बना, ठीक है। 2-2 कॉइल आ गई ना। अब ये बात समझ आ रही है किस तरह से क्लोज्ड है, ये जहां से चला है वहीं खत्म हुआ है। अब हमने क्या किया था, याद करो पिछले वाला डायग्राम एक बार अपने नोट्स में रेफर करो, कि ये जो ए और सी वाला ब्रश है, जो 1 और 5 वाले ब्रश है, ये साथ में कनेक्ट हुए थे, एक साथ कनेक्ट हुआ था। ऐसे ही बी और डी वाला
एक साथ कनेक्ट हुआ था इस टाइप से, ठीक है, और हमारे दो टर्मिनल बाहर आ गए थे। अब देखो ये पैरेलल पाथ का सिग्निफिकेंस क्या है। मान लो हमने क्या दिखाया था, बी वाले से करंट लीव कर रहा था और ए और सी वाले से एंटर कर रहा था, ये दो वायर्स में डिवाइड हो गया आई बाय टू आई बाय टू। अब ये वन वायर ए वाले ब्रश पे जब पहुंचा, अगेन दो रास्ते निकल रहे थे आई बाय फोर आई बाय फोर। फिर ऐसे ही देखो ये इस वाले ब्रश में आई बाय टू पहुंचा, फिर दो रास्तों में बट गया आई बाय फोर आई बाय फोर, ऐसे बट गया। अब बी वाले ब्रश पे देखो आई बाय फोर आ रहा है तो ये जुड़ के हो गया आई बाय टू। डी वाले ब्रश पे देखो आई बाय फोर आ रहा है, जुड़ के हो गया आई बाय टू। अब ये ब्लू वाले आई बाय टू जुड़ के वापस क्या बन जाएंगे आई। तो देखो सप्लाई से या लोड में करंट दिखाना था आई, और वाइंडिंग में कितना पहुंचा आई बाय फोर, तो इसका मतलब है कितने पार्ट में करंट डिवाइड हो गया, चार पार्ट में, और उसी को कहते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो हम क्या जानते हैं, आई कॉइल इज टोटल करंट बाय नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, और लैप वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होते हैं, जितने उसके अंदर पोल्स होते हैं, तो हम जब चार पोल लेके चले हैं तो चार ही पैरेलल पाथ भी बनेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि ये वाला जो डायग्राम है ना, ये लैप वाइंडिंग के लिए काफी काम आएगा आगे चल के। तो ये डायग्राम इस तरह से भी बना सकते हो, ब्रशेस के बीच में कॉइल्स को डिवाइड कर सकते हो। अपने पास आठ कॉइल थी तो हर पैरेलल पाथ में दो दो कॉइल आ जाएंगी, और यही मैंने यहां दिखाया था, दो दो कॉइल है चारों पैरेलल पाथ के अंदर, दो दो कॉइल हमारी कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है भाई। आगे चलें। अब देखो क्या होता है, इसका चाहते तो हम वैसा ही सर्कुलर डायग्राम भी बना सकते थे जैसा कि हमने पहले भी बनाया था। किस टाइप से देखें एक बार, सर्कुलर डायग्राम जिसमें हमने लंबा सा डायग्राम नहीं बनाया था, जब मैंने तुम्हें कम्यूटेटर बताया था तो उसके अंदर मैंने क्या किया था कि मैंने बाहर से तुम्हें घुमा के वाइंडिंग ले गया था और कम्यूटेटर में भी वाइंडिंग जोड़ी थी। अगर देखो उसी टाइप का डायग्राम बनाना है तो पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ये सर्कल कौन है भाई, आर्मेचर है, ठीक है। अब आठ स्लॉट लिए ना हमने, तो आठ स्लॉट बना लेते हैं पहले, एक दो तीन और ये चार पांच छह सात और ये आठ, ये आठ स्लॉट बना सकते हो ना ऐसे, नंबरिंग दे दो वन टू, स्लॉट को नंबर कर रहा हूं थ्री फोर अब इसकी रोटेशन भी डिसाइड कर लो, रोटेशन ऐसे मान लो। अब चार पोल मैं तुम्हें दिखा देता हूं, इस टाइप से दिखा देता हूं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ठीक है, चार पोल बन गए। अब डॉट क्रॉस की बात है, देखो अब इसकी वेलोसिटी राइट में है लेकिन ये कौन सी एक्सिस पे है, ये दोनों पोल्स के बीच में। जब कोई कॉइल दोनों पोल के बीच में लाई करती है तो उसमें इंड्यूस होने वाला ईएमएफ क्या रहता है हमारा, जीरो रहता है, ठीक है। तो इस पे कोई ईएमएफ नहीं आएगा, इस पे आ जाओ, इसकी वेलोसिटी ऐसे है
मैग्नेटिक फील्ड पोल के अंदर की तरफ होगी। अब वी क्रॉस बी कर लो, वेलोसिटी की डायरेक्शन से बी की तरफ घुमाओ, कैसे आ रहा है, बाहर आ रहा है ना, तो इसमें लगा दो डॉट। फिर ये दो पोल के बीच में कुछ इंड्यूस नहीं होगा, इसमें आ जाएंगे क्रॉस। फिर दो पोल के बीच में कुछ भी इंड्यूस नहीं होगा, फिर से आ जाएंगे डॉट, फिर कुछ इंडक्शन नहीं और क्रॉस, ऐसे डॉट क्रॉस आ गए। अब बीच में कम्यूटेटर बना लो, कम्यूटेटर में भी कितने सेगमेंट दिखाओगे, वन, आठ सेगमेंट दिखाने पड़ेंगे ना, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद कनेक्शन करना पड़ेगा कॉइल का। तो इस कॉइल का जो स्पैन है, स्पैन तो टू था ना, स्पैन टू था, तो क्या करोगे, वन वाला जो कंडक्टर है वो किस में जुड़ेगा, थ्री के नीचे वाले में, टू वाला जो कंडक्टर है वो जुड़ेगा फोर के नीचे वाले में, फोर वाला जो कंडक्टर है वो जुड़ेगा सिक्स के नीचे वाले में, फाइव वाला जो है सेवन के नीचे वाले में, सिक्स वाला जो है एट के नीचे वाले में, सेवन वाला जो है वन के नीचे वाले में, एट वाला जो है टू के नीचे वाले में, ऐसे कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये छूट गया ना थ्री वाला, थ्री वाला फाइव के नीचे वाले में, इस तरह से कनेक्शन बन जाएगा। और कम्यूटेटर से कैसे जोड़ोगे, वन वाला अगर वन में तो टू का नीचे वाला भी वन में, फिर टू का ऊपर वाला अगर टू में तो थ्री का नीचे वाला भी टू में, कम्यूटेटर पिच वन ले रहे हैं ना, थ्री का ऊपर वाला थ्री में तो इसी में फोर का नीचे वाला, फिर फोर का ऊपर वाला फोर में, फाइव का नीचे वाला भी फोर में, फाइव का ऊपर वाला फाइव में, सिक्स का नीचे वाला भी फाइव में, सिक्स का ऊपर वाला सिक्स में, सेवन का नीचे वाला भी सिक्स में, सेवन का ऊपर वाला सेवन में, एट का नीचे वाला भी सेवन में, एट का ऊपर वाला एट में, और वन का नीचे वाला भी एट में। तो इस तरीके से तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एक तरह से रोज पेटल्स की तरह ये आ गया। तो ये बाहर जो है जैसे फ्लावर की पंखड़ी होती है ना, पेटल्स होते हैं, उस टाइप से ये ओपन हो गया। तो ये डायग्राम मैंने सर्कुलर के अंदर भी दिखा दिया, और यही डायग्राम मैंने तुम्हें लीनियर के अंदर भी दिखाया था। बट क्या होता है ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्लॉट बढ़ते जाते हैं, मान लो 16 स्लॉट हो गए या 32 स्लॉट हो गए, तो ये वाला डायग्राम जो है ये डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें देखो कम्यूटेटर पिच का रोल कैसे आएगा, वन वाला किसमें गया, वन में, वन का दूसरा हिस्सा था थ्री का नीचे वाला, ये किसमें गया, टू में, टू वाला किसमें गया, टू में, तो टू का नीचे वाला यानी टू का दूसरा है फोर वाला, फोर वाला किसमें गया, थ्री में। कम्यूटेटर पिच में क्या लेके चल रहा हूं, वन। बात समझ आ रही है, कम्यूटेटर पिच का यूज कैसे होगा, कॉइल की अगर एक साइड एक्स में जाती है तो दूसरी एक्स प्लस वाई सी में, ठीक है। तो यहां आठ कॉइल है अपने पास। अब मैंने तुम्हें दो तीन चीजें बता दी हैं, देखो लैप वाइंडिंग के अंदर अगर ऑब्जर्व करें, याद रखने वाली बात न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी है, लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ होते हैं पोल के बराबर, और उतने ही ब्रशेज लगते हैं। लेकिन देखो मैंने क्या क्या बताया, कॉइल स्पैन क्या मानोगे, एस बाय पी, कम्यूटेटर पिच मानोगे वन। अब इसका एक तो हम डेवलप डायग्राम बना सकते हैं लीनियर, जिसमें कंडक्टर्स का या कॉइल साइड का ऊपर से जो कनेक्शन बनता है कॉइल स्पैन के हिसाब से होता है, नीचे कम्यूटेटर पे जो जुड़ता है वो कम्यूटेटर पिच के हिसाब से जुड़ता है, ठीक है। ब्रशेस को कैसे प्लेस करते हैं, जिस कम्यूटेटर में नेट करंट आएगा वहां ब्रश को शो किया जाएगा। दूसरा मैंने टेबल फॉर्म में बताया कि कॉइल साइड्स दिखा दोगे एक कॉलम में, कम्यूटेटर दिखा दोगे दूसरे कॉलम में, कॉइल साइड मिलेगी कॉइल स्पैन से, कम्यूटेटर सेगमेंट मिलेगा कम्यूटेटर पिच से। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया इस तरह से ब्रशेस के बीच में भी एक डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें यह ऑब्जर्व भी हुआ था कि करंट किस टाइप से डिवाइड हो रहा है, तो कॉइल के अंदर जाने वाला करंट कितना होता है, टोटल करंट बाय नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। और एक ये सर्कुलर वाला डायग्राम जो हमने पहले भी पढ़ रखा था, ये भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है पूरी हमारी, अगर लैप वाइंडिंग की जाए
तो इसके आगे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और अगले में मैं तुमसे बात करने वाला हूं दूसरी कैटेगरी यानी कि वेव वाइंडिंग के बारे में। तो ऐसे ही पूरा डिजाइन हमें वेव वाइंडिंग का समझना है। थैंक यू।